वायुसेना अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि भारत बालाकोट जैसी स्ट्राइक के लिए तैयार है। थोड़ी भी पाकिस्तान ने गलती की तो परिंदे पर नहीं मार पाएंगे। और साथ ही पाकिस्तान की जनता कैसे डरने लगी, कांपने लगी, कहने लगी मोदी जी छोड़ दो, बख्श दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। भारतीय वायुसेना ने कोरोना महामारी के खिलाफ सरहद से लेकर देश के अंदर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रहे हैं, यानी बालाकोट जैसी खतरनाक एयर स्ट्राइक फिर से हो सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कह दिया कि बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की तैयारी हमारी 24 घंटे रहती है, लेकिन यह कार्रवाई हमें करनी है या नहीं यह दुश्मन पर निर्भर करता है। पाकिस्तान को डरना होगा, हम कब एक्शन लेंगे ये हम तय करेंगे। जब तक मैं आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेंगे तब तक उन्हें इस बात की चिंता करनी होगी कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की कायराना हरकतें एक के बाद एक जारी है और इसीलिए वायुसेना प्रमुख के इस बयान के बाद अब वहां के हालात भी खराब हो गए। पाकिस्तान कांप भी रहा है, क्या कह रही है वहां की जनता वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि उनका ये पूरा बयान है क्या। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि का हमारी सेना जवाब दे रही है। पीओके में पाकिस्तान की जो हवाई गतिविधियां बढ़ी हैं उसको लेकर हम मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी कोई आतंकी कार्रवाई हमारी जमीन पर होगी तो उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। पाकिस्तान को डरना होगा, हम कब एक्शन लेंगे ये हम तय करेंगे। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि ये हम तय करेंगे, अगर थोड़ी भी कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। और उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं कहा, चाइना को भी बता दिया। चीन को उन्होंने क्या कहा जरा उस पर गौर करते हैं। चीन को लेकर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उनकी तरफ से जो हवाई गतिविधियां हुई हैं उसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी साफ तौर पर कह दिया कि आप जमीनी और हवाई ये वाली हरकतें मत करिए वरना महंगा पड़ेगा। और अब पाकिस्तान की जनता उतर आई है। पाकिस्तान की जनता कैसे डर रही है, कैसे बिलबिला रही है ये अब देखते हैं। अबूजर इख्तियार कहते हैं भारत की ताकत और ज्यादा हो गई है, पहले उसके पास राफेल विमान नहीं था, वो हमारे ऊपर कहर बरसा देगा, अल्लाह रहम करो। माज अहमद कहते हैं इमरान साहब आपके पाले हुए कीड़े मकोड़े मसले जाने वाले हैं, फिर से भारत की तरफ से अब फिर आतंकियों का अंत होगा। कामिल हसन कहते हैं कोई नहीं आने दो एक बार फिर हमारे साथ चाय पीने के लिए, अभिनंदन भाई आने वाला है उसके ज्यादा से ज्यादा स्वागत में पहुंचे तो देखा। लेकिन उसके बाद मुसाफर अहमद कहते हैं वो मोदी है, अब उसकी सेना को पूरी छूट है, जब चाहे एक्शन ले सकती है, और हमारी सेना को लड़ाई नहीं सत्ता चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान का इलाज बस होने ही वाला है। हालांकि जनता कह रही है बख्श दो, गलती हो गई। इस वीडियो को आप शेयर करना कतई मत भूलिए, साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।